स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। अपने बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में जेनेटिक्स के, उसमें आपको प्रैक्टिकल के जो चैप्टर आने वाले थे वो उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज अपने एक ब्रीडिंग सिस्टम वाला चैप्टर कंप्लीट किया था, इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, इनब्रीडिंग के प्रकार और आउटब्रीडिंग के प्रकार मैंने आपको बताए थे। चित्र देकर भी पूछा जा सकता है या किसी नस्ल का नाम देकर भी पूछा जा सकता है, तो आपकी पहचान करनी है। उसके बाद में अपने पढ़ा था ब्रीडिंग, अब उसके भी मैंने आपको बताया था भी ऐसे चित्र बनाकर भी ऐसे करते करते पाँचवीं छठी पीढ़ी तक वो तो नस्ल उसमें सुधार आता है। उसके बाद में अपने पढ़ा था ग्रेडिंग अप के बाद में प्रसंकरण या हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि अलग अलग प्रजाति के मध्य मेटिंग करवाते हैं, तो वो घोड़ी गधे वाला पढ़ा था खच्चर। उसी तरह से अब अपने जो नेक्स्ट जो आपको बताने वाली जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है व्यक्तिगत चयन या इंडिविजुअली सिलेक्शन। व्यक्तिगत चयन का मतलब आप समझो बाहरी लक्षण को देखकर किसी पशु जानवर का चयन कर, तो उसे तीन नाम है उनके, व्यक्तिगत चयन, इंडिविजुअली सिलेक्शन या फिनोटाइप, फिनोटाइप सिलेक्शन। पशुओं का उसके दृश्य गुणों, दृश्य का मतलब है फिनोटाइप, जो अपने को बाहरी तौर पर दिखाई दे रहे हैं वो उनके फिनोटाइप लक्षण होते हैं, के आधार पर एक साथ कई पशुओं का चयन किया जाता है। बाहरी लक्षण देखकर अपने चयन करें वो क्या फिनोटाइप सिलेक्शन है, व्यक्तिगत चयन है, इंडिविजुअली चयन। बाहरी रूप को देख कर ही उसके जीनोटाइप या प्रजनन मूल्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। अपने क्या है फिनोटाइप लक्षण या इंडिविजुअली व्यक्तिगत चयन को देखकर अपने आइडिया लगा सकते हैं कि इसके जीनोटाइप ये हो सकता है या इसका ब्रीडिंग वैल्यू ये हो सकती है। अब ये देखो, जैसे मान ली कांकरे सांड है, तो ये जैसे दिखा दिया आपको, तो इसका मतलब क्या है व्यक्तिगत चयन या इंडिविजुअली सिलेक्शन या फिनोटाइप। कैसे आपके सामने ये आपने सुना है अभी, जो कांकरे सांड है उसकी ये कदकाठी है, ये उसका रूप है, ये लक्षण पहचान है, तो अपने देखा और उसको पहचान लिए व्यक्तिगत चयन। व्यक्तिगत चयन के बाद अपने बात करते हैं वंशावली चयन या पेडिग्री सिलेक्शन। पढ़ाया हुआ है थ्योरी में, लेकिन ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके आने वाले प्रश्न है। पेडिग्री टेस्ट सिलेक्शन या वंशावली चयन, हिंदी में वंशावली, इंग्लिश में पेडिग्री। तो मैंने बताया था कि पशुओं के जो पूर्वज है, जैसे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, उसकी संतति, भाई बहन जैसे निकटतम संबंधियों को देखकर जब अपने जनक पशु उसके बारे में उसका चयन करते हैं, तो वो क्या है वंशावलिया पेडिग्री चयन है। यानी कि माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी के जो लक्षण हैं या उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको देखकर जब अपनी संतति या किसी का चयन करते हैं, तो वो कौन सी है वंशावली चयन या पेडिग्री चयन। तो इसमें देखो, पशुओं के पूर्वजों जैसे माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी के लक्षणों को या गुणों को देखकर जब अपने नए पशु का चयन या संतति का चयन करते हैं, तो वो क्या है वंशावली या पेडिग्री सिलेक्शन। अब ये मैंने बताया थ्योरी में, लेकिन अब ये देखो इस बुक में चित्र द्वारा बताया गया, चित्र द्वारा आपको समझाया गया। तो इसके अंदर देखो परदादी का रिकॉर्ड इधर, पर बाबा का रिकॉर्ड, दादी का रिकॉर्ड, यानी कि इस तरह से सभी रिकॉर्ड को देखकर और ये देखो चयन किया गया। तो ये जो प्रारूप है ये इस तरह से है, तो आपको अगर ये चित्र देखकर ये पूछा जाए तो ये किस प्रकार का सिलेक्शन है, क्योंकि चयन अलग अलग प्रकार के हैं। कैसे इंडिविजुअली चयन, पेडिग्री चयन और प्रोजेनी, तो ये अलग अलग प्रकार के हैं, इसलिए ये आपको देखना पड़ेगा कि इस तरह के जो पूर्वजों के रिकॉर्ड देकर संतति का चयन है वो कौन सा है, पेडिग्री या वंशावली सिलेक्शन। अब इसके लाभ और इसकी त्रुटियां देखते हैं। ये गुण जिनकी अभिव्यक्ति काफी समय बाद होती है, जैसे दूध उत्पादन बढ़ाने के बाद आदि हेतु पशुओं का चयन उनकी वंशावली के आधार पर युवावस्था के वर्ण कसरत। कहने का मतलब ये है, मान लो जैसे ये पूर्वज है, उनके रिकॉर्ड में लिखा हुआ भी इनके इतने दूध था, ये इनका ब्रीडिंग वैल्यू है, पूरी डिटेल लिखी होती है, लैक्सेशन पीरियड वगैरह सब कुछ। उसके बाद उसके माता पिता का, दादा दादी का है, तो उस हिसाब उनका उत्पादन देखकर जो संतति है वह अनुमान लगाया जा सकता है कि इनका भी दूध उत्पादन है इतना हो सकता है। ये गुण इनकी वंशा गति अधिक होती है इनके लिए चयन, यानी कि वंशा गति का मतलब है गुण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहते हैं। अब तीसरा परीक्षण था संतति परीक्षण, जिसे अपने कहते थे प्रोजेनी टेस्ट। क्या कहते हैं प्रोजेनी टेस्ट, और इसका एक नाम और भी है जीनोटाइप वर्ण, प्रोजेनी या संतति परीक्षण, ये मिक्स होते हैं पेडिग्री वंशावली प्रोजेनी संतति परीक्षण। इसमें क्या होता है, इसमें संतति को देखकर
जो मेल है उसकी ब्रीडिंग वैल्यू का पता लगता है। कैसे? जैसे मान लो एक सिलेक्शन किया हुआ सायर सांड है अच्छी नस्ल का, किसी मादा से उसकी मेटिंग करवाई, आगे जो संतति पैदा हुई, मान लो वो फीमेल है, वो जो संतति पैदा हुई फीमेल, उसका आगे जब वो ब्याएगी उसका उत्पादन देखकर जब अपने किसकी ब्रीडिंग वैल्यू निर्धारित करते हैं उस सांड की, तो वो कौन सा परीक्षण है? संतति परीक्षण। देखो दोबारा समझो इसको, कि जो प्रूवन सांड था सिलेक्शन किया हुआ अच्छी नस्ल का, उसकी मादा के साथ मैटिंग करवाई और जो संतति पैदा हुई वो मान लो अगर फीमेल है, तो उस फीमेल का जब वो ब्याएगी आगे उसका दूध उत्पादन देखकर किसका पता लगाया जा रहा है अपने उस सांड का, तो वो किसके अंदर आएगा? संतति परीक्षण के अंदर। तो इसका एक दूसरा नाम भी है जीनोटाइप सिलेक्शन। वहीं व्यक्तिगत सिलेक्शन का नाम था फिनोटाइप, क्यों? बाहरी लक्षण को देखकर। और जो ये अपने प्रोजेनी की बात कर रहे हैं इसका एक दूसरा नाम भी है जीनोटाइप सिलेक्शन। ये रहा, ये मान लो कांकरेज नस्ल का सांड है, ये मादा इसकी मैटिंग करवाई और ये जो इसकी जो आगे बच्ची है उसकी जो जब ये ब्याएगी इसके दूध उत्पादन को देखकर इस सांड की ब्रीडिंग वैल्यू निर्धारित हो जाएगी। तो ये इसका कौन सा टेस्ट माना जाएगा? प्रोजेनी टेस्ट। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको मैंने बताई, उससे पहले वाले ब्रीडिंग सिस्टम में भी बताई। अब अपने जो बच गए फर्स्ट मिड के चैप्टर चार, वो मैंने इसलिए बचाए थे क्योंकि वो बोर्ड पर समझाने वाले चैप्टर है, ऐसे समझ में नहीं आएंगे, लेकिन फिर अब कितनी देर वेट करते रहेंगे, बहुत दिन वेट कर लिया। सेकंड मिड का थ्योरी कंप्लीट है, प्रैक्टिकल में जो आने वाले चैप्टर हैं उनके बारे में बता दिया, प्रश्न बता दिए कैसे आएंगे, कैसे आपको उत्तर देना है। अब अपने जो नया चैप्टर है वो है सेल डिवीजन, तो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि चार चैप्टर अति महत्वपूर्ण है वो अपने फाइनल एग्जाम के लिए, क्योंकि फर्स्ट मिड तो हो गया आपका, सेकंड मिड वाले करवा दिए, तो वो अति महत्वपूर्ण कैसे है? क्योंकि उसके अंदर गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, डीएनए आरएनए और ये सेल डिवीजन, ये तीन चैप्टर हैं, ये मेन एग्जाम में आएंगे, प्रश्न अच्छे आएंगे। तो ये अपने जो स्टार्ट करेंगे जो कल से, वो करेंगे सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। तो अब आपका जो सेकंड मिड है वो थ्योरी भी कंप्लीट है, प्रैक्टिकल के भी कंप्लीट है, तो अब अपने नेक्स्ट है जो फर्स्ट मिड का बच गया वो करेंगे। तो कल अपने सेल डिवीजन पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।